ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 23 सितंबर के श्रीवदान की, जहाँ परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम कोई भी अपवित्रता अपने मन में, अपने वचन में, अपने कर्मों में ना रखें, ताकि हमारी बैटरी डाउन ना हो। देखिए, स्पिरिचुअलिटी या कहें या अध्यात्म कहें, बात एक ही है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये फोकस करती है प्योरिटी पर। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, प्योरिटी का मतलब ये भी है कि आप सोचते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं और आप दिखते कैसे हैं। किसी भी सिचुएशन में आपका नज़रिया हो सकता है उसको देखने का, उसके बारे में सोचने का और उसके बारे में औरों को वर्णन करने का या बोलने का। देखो, उसने ऐसे किया, पता है वो वहाँ पे, उसके घर में ऐसे हुआ। आपके पास में प्योरिटी है, मतलब कि आपके पास में अपने प्रति भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपके पास में कोई भी किसी और के घर का, किसी और की बातों का कचरा डालने का टाइम नहीं है। अपने मन की बात कर रहा हूँ मैं, अपने मन के अंदर डालने का। घर वर की बात अलग है, आप डालते हो तो डालते हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मन की डालने का। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने मन को साफ रखें, कचरा ना डालें, ताकि हम लंबे समय तक शांत रह पाएँ, खुश रह पाएँ। तो परमात्मा कहते हैं, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस बाबा। अब परमात्मा ने कंपैरिजन किया होली हंस के साथ में। एक हंस होता है जिसको आप देखें तो वाइट इन कलर होता है, और कहा जाता है, कहावत है कि वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, आई डोंट नो। लेकिन कहावत का मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी पवित्रता हो कि आप समझ पाएँ कि क्या व्यर्थ बातें हैं और क्या समझ बातें हैं, कौन आपको बहुत मस्का लगा रहा है आपसे काम निकलवाने के लिए, और कौन सी चीज़ को करना है, करना है नहीं करना है, वो है दूध को अलग करना, पानी को पानी करना। ये बात आपके ऊपर आती है, लेकिन उसके लिए प्योरिटी होनी चाहिए। अगर सेल्फ इस्टीम कम होगी, अपने प्रति भी प्योरिटी नहीं होगी, तो हम वो मस्के में फिसल जाएंगे और वो काम कर देंगे जिसमें कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, बस एक उदाहरण के तौर पर। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना। ये तो निर्णय शक्ति बात हुई, किसी ने आपको मस्का लगाया, आपने उसका काम कर दिया, लेकिन उसमें आपको नुकसान हो गया। तो आपको निर्णय करना है कि भैया, मेरी तो सेल्फ इस्टीम, मेरा अपना स्वाभिमान ठीक है, मुझे किसी के मस्के लगाने से कोई असर नहीं पड़ता, कोई मेरे को मस्का लगा के मेरे से काम नहीं करवा सकता है। तो फिर आप क्या कर पाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर पाएंगे, बस एक उदाहरण के तौर पे। ऐसे बहुत सी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। अलग करना अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना कि कौन सी व्यर्थ चीज़ है, कौन सा समर्थ है। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, उनका मन साफ रहेगा, और क्योंकि उनका मन साफ रहेगा वो फटाफट पहचान लेंगे कि ये चीज़ करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ बोलनी, ये चीज़ नहीं बोलनी, ये चीज़ सोचनी, ये चीज़ सोचनी नहीं है। स्वच्छ अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। व्यर्थ में अब क्या क्या आता है, व्यर्थ में मतलब काश ऐसे हो जाता, काश ऐसे ना किया होता, काश 10 साल पहले मैंने ये नहीं होता, या काश उस व्यक्ति ने मुझे धोखा नहीं होता, काश ऐसा, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, क्या करते वैसे करते, ऐसे करते, उसने क्या किया, मैंने क्या किया। परमात्मा कहते हैं ये ज़्यादातर आपको व्यर्थ, मतलब कि जो कि वेस्ट में लेके जाता है, और आपका जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में आपको कुछ भी अपनी जो शक्ति है उसको यूज़ नहीं करने देता, ताकि आप कुछ नया फ्यूचर के लिए प्लान कर पाएँ, या एटलीस्ट इस समय आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाएँ। आपको क्या करता है, व्यर्थ में ले जाता है, व्यर्थ समय, व्यर्थ ऊर्जा, और व्यर्थ संकल्प, और व्यर्थ मूड ऑफ। पास्ट में जाइए, पास्ट के बारे में क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसने क्या किया, जाइए तो ज़रा 5 मिनट के लिए, आपकी एनर्जी ऐसी ड्रेन आउट होगी, आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगा, अलपिलापन का, आपको मूड नहीं करेगा कुछ आगे करने का, गारंटी 5 मिनट तक करना है। पर फिर परमात्मा कहते हैं, फिर परमात्मा कहते हैं, हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। अब ये ज्ञान कौन सा है, यह है आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। इसके बारे में अगर आप सोचें डीपली, तो आपके पास में और फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। पर ये आध्यात्मिक ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी में आना पड़ेगा। व्यर्थ नहीं चलेगा, इसको कहा जाता है रत्न चुगना। अब ये रत्न क्या है, इसके लिए आपके लिए मैं 1 अक्टूबर 2022 में 1 घंटे का सेशन रख रहा हूँ, और उस 1 घंटे के सेशन में आपको ये जूम कॉल की मीटिंग पे किया जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका मन कैसे काम करता है। दूसरी चीज़ आपको पता लगेगी, आप हैं कौन, आपकी रियलिटी क्या है, फिजिकल रियलिटी है और नॉन फिजिकल रियलिटी है। और तीसरी चीज़ पता चलेगी कि आप फियर और एंग्जाइटी को कैसे दूर करें। एक दिन में पूरा तो नहीं कवर कर सकते हैं फियर एंड एंग्जाइटी के बारे में, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ किया जाएगा, एंड फिर उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा आगे के सेशंस के बारे में।
लेकिन वो 1 घंटा इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आपको लिंक चाहिए इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए 8918520787 पर। ये उन लोगों के लिए जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सुन रहे हैं और जिनके पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उनकी बात अलग है। और इसी के साथ ओम शांति।